गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम अपने वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग लाइन चार्ज जो कि इनफाइनाइट लेंथ का है, या फिर एक स्फेरिकल सेल जिस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर पी पॉइंट पे, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सॉलिड स्फेयर। अब हमारा नेक्स्ट केस आता है कि अगर हमारे पास एक फ्लैट शीट है और उसके ऊपर चार्ज है, तो उस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर पी पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करना हो तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इस चीज़ को हम आज अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट फ्लैट सीट ऑफ चार्ज। तो हमारे पास क्या है, एक सीट है जिसकी इनफाइनाइट डायमेंशन है, मीन्स वो आपकी, अगर मैं उसको एक्स वाई प्लेन में लेके चलती हूँ तो एक्स वाई प्लेन में उसकी इनफाइनाइट डायमेंशन है। तो उस टाइप की आपकी एक सीट आज हमारे पास है और इस सीट पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास। अब जो ये सीट हम लेके चल रहे हैं, ये सीट नॉन कंडक्टिंग है। तो कैसे, क्या प्रॉपर्टी है सीट की, कि सबसे पहले इसकी डायमेंशन की बात करें तो ये थिन है एंड नॉन कंडक्टिंग है। थिन है, थिकनेस इसकी बहुत कम है एंड ये नॉन कंडक्टिंग है एंड इनफाइनाइट इसकी डायमेंशन है। इस टाइप की हमारी सीट की प्रॉपर्टी है। अब इस सीट पे अगर हम लेके चलते हैं पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज है वो क्यू चार्ज है इस सीट के ऊपर, तो क्यू हमने कहा यहाँ पे चार्ज एंड सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इस सीट पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अब हम कहें कि इस सीट से हमें किसी पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है वो कैलकुलेट करनी है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस। कि हमने कहा कि हमारा यहाँ पे एक पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पे इस सीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमें मेजर करनी है, तो हम क्या करेंगे, इस पी पॉइंट पे एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। अब ये सीट हमारी इनफाइनाइट डायमेंशन की है, तो जब इस टाइप से हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी इनफाइनाइट डायमेंशन है, उस केस में हमारा गॉसियन सरफेस उस ऑब्जेक्ट को कवर नहीं करेगा, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू पेनिट्रेट करेगा। तो यहाँ पे हमारा जो गॉसियन सरफेस है वो कैसा बनेगा, हम कहते हैं इस पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करनी है, तो इस पी पॉइंट के जो सराउंडिंग सरफेस है हमारे पास, यहाँ पे गॉसियन सरफेस कैसा होता है, जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम रहती है। तो यहाँ से मैं ये कहूँगी कि मेरा जो गॉसियन सरफेस है वो इस सीट के थ्रू पेनिट्रेट करेगा एंड तो यहाँ पे हमारा गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा। देखो, गॉसियन सरफेस यहाँ पे हमारा इस सिलेंडर के फॉर्म में बनेगा, जो सिलेंडर आपकी जो सीट है उस सीट को पेनिट्रेट करेगा। अब इस गॉसियन सरफेस को हम लेके चल रहे हैं, तो इसमें जितनी हाइट इसकी सीट से अपवर्ड है, मैं ये मान के चल रही हूँ कि ये जो मेरी हाइट है, ये हाइट मेरी यहाँ पे स्मॉल आर है, तो इतना ही मेरा ये गॉसियन सरफेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, कि ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हाइट है ये भी मेरी स्मॉल आर होगी। अब यहाँ पे जो सरफेस हमने कवर किया इस पी पॉइंट के सराउंडिंग में, इसको अगर मैं डी एस सरफेस मान के चल रही हूँ तो ये भी मेरा डी एस सरफेस होगा। तो इसका मतलब एक सिलेंडर यहाँ से क्रॉस करेगा जिसकी 2R लेंथ होगी और ये आपका टॉप एंड बॉटम फ्लैट सरफेसेस होंगे, ये यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनेगा। तो एक इनफाइनाइट चार्ज सीट के लिए हमने सबसे पहले गॉसियन सरफेस बना लिया। अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो उसके लिए हम क्या लेके चलते हैं कि देखो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, अगेन अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। गॉसियन सरफेस की बात कर रहे हैं तो गॉसियन सरफेस एक सिलेंडर हो गया, सिलेंडर में एक कर्व सरफेस हो गया, दो फ्लैट सरफेस हो गए। अब सबसे पहले टॉप पे जो फ्लैट सरफेस है इसकी अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे इस सरफेस का नॉर्मल है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड एंड इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, इस सीट के पैरेलल, तो मीन्स इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगेन अपवर्ड और वो इसके नॉर्मल के पैरेलल।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यहाँ पे आपकी नॉर्मल के पैरेलल ही हो गई। तो मैंने अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई माना तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉर्मल के पैरेलल है इस फ्लैट सरफेस के लिए। सेम कंडीशन फॉलो होगी जब आप बॉटम का सरफेस है उसकी बात करेंगे। यहाँ पे अगेन नॉर्मल की डायरेक्शन डाउनवर्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड। तो इसका मतलब जो दोनों फ्लैट सरफेसेस हैं गॉसियन सरफेस के, उन दोनों सरफेसेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड नॉर्मल दोनों की डायरेक्शन सेम है, यहाँ पे अपवर्ड यहाँ पे डाउनवर्ड। लेकिन जब हम इस सिलेंडर के कर्व सरफेस की बात करेंगे कि जो सरफेस आपका ये कर्व फॉर्म में है उस सरफेस पे बात करेंगे, तो उस सरफेस पे देखो हमने कहीं पे भी यहाँ पे एक ds प्राइम सरफेस कट कर लिया। अब ये मेरा ds प्राइम सरफेस है जो कि मैंने ये जो कर्व सरफेस है इसका एक हिस्सा लिया है। अब इस सरफेस पे नॉर्मल की डायरेक्शन क्या है, इस पे नॉर्मल की डायरेक्शन हमारी हो गई ये। सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल ऑन दिस ds प्राइम सरफेस। बट इस पर्टिकुलर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमारी यही रहेगी अपवर्ड। जब सीट के ऊपर का जो पार्ट है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड, सीट के नीचे का जो पार्ट है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड। क्योंकि हमारी जो सीट है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो टॉप सर्फेस पे अपवर्ड एंड बॉटम सर्फेस पे डाउनवर्ड। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। इसका मतलब इस पर्टिकुलर ds प्राइम सरफेस की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है। और ये चीज़ आपकी कंप्लीट जो कर्व सरफेस है उसके लिए वैलिड है, क्योंकि कर्व सरफेस है उस पर कहीं पे भी हम अगर इस सरफेस का पार्ट कट करेंगे तो हर केस में नॉर्मल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये कंडीशन हमें यहाँ से क्लियर हो गई कि जो हमारा गॉसियन सरफेस है उस गॉसियन सरफेस के फ्लैट सरफेसेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल दोनों पैरेलल एंड कर्व सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल दोनों परपेंडिकुलर। तो अब हम अगर फ्लक्स की बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू सरफेस ds, मैं इसको ds1 कह देती हूँ और इसको ds2 कह देती हूँ। तो हमारा जो ds1 सरफेस है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर बात करती हूँ तो वो मेरे पास क्या होगा, d phi e1, और इसको मैं लिख सकती हूँ e.n into ds। ये क्या हो जाएगा, e ds1 cos थीटा। यहाँ पे cos थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, थीटा जीरो, तो cos थीटा की वैल्यू 1। तो यहाँ से मुझे मिला d phi e1 equals to e ds1। सिमिलरली जब मैं ds2 सरफेस की बात करूँगी तो इस सरफेस के लिए भी मेरा जो फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये कितना हो जाएगा, d phi e2 कहती हूँ मैं इसको, सो दिस इज e.n into ds2, और इसको मैं क्या कह सकती हूँ, e ds2 cos थीटा। और अगेन यहाँ पे जो cos थीटा है वो क्या है, एंगल बिटवीन दिस नॉर्मल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, जीरो। तो थीटा की वैल्यू 0, cos थीटा 1 हो गया, तो मेरे पास d phi e2 आया e into ds2। अब जो हमारा कर्व सरफेस है इस कर्व सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो मैं यहाँ पे कहती हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्राइम। ये कर्व सरफेस है, इसका मैंने पार्ट कट किया है एक, जिसको कि मैं ds प्राइम कह रही हूँ। इस ds प्राइम की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूँ तो ये मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, d phi e prime से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, दिस इज अगेन e.n into ds prime, और ये कितना हो जाएगा, e ds prime cos थीटा। बट यहाँ पे देखो थीटा इज 90 डिग्री, थीटा 90 तो कोस की वैल्यू 0, तो मेरे पास जो d phi e prime मिला दैट इज 0। तो इसका मतलब जो टोटल फ्लक्स की अगर मैं बात करती हूँ गॉसियन सरफेस से, तो वो टोटल फ्लक्स मेरा क्या है, सम ऑफ फ्लक्स फ्रॉम दीज टू सरफेसेस एंड दिस कर्व सरफेस। अब कर्व सरफेस से फ्लक्स है वो मुझे मिल रहा है 0, लेकिन फ्लैट सरफेस से मुझे कुछ फ्लक्स मिल रहा है, तो यहाँ से मेरा टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा, जो गॉसियन सरफेस हमने यहाँ पे कंसिडर किया है एक सिलेंडर की फॉर्म में, इस गॉसियन सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना होगा, इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स
प्लस इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स, क्योंकि कर्व सरफेस तो कुछ फ्लक्स दे ही नहीं रहा है, तो इसकी वैल्यू तो जीरो हो गई। तो आपके डी फाई ई वन एंड डी फाई ई टू ये दोनों सम अप हो जाएंगे। तो यहाँ से देखो, हमें ये भी पता है, जैसे ये मेरी इक्वेशन नंबर वन है, ये मेरी इक्वेशन नंबर टू है, एंड वी नो दैट डी एस वन इक्वल्स टू डी एस टू, कि दोनों सर्फेसिस हम इक्वल लेके चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि गॉसियन सर्फेस है वो सिमेट्रिक होगा, जैसे टॉप पे होगा वैसा ही बॉटम पे होगा। तो डी एस वन डी एस टू इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा ई डी एस, इसको अगर मैं कह देती हूँ डी एस, तो ये क्या हो गया ई डी एस, ये टर्म भी ई डी एस। तो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन का सम आपका टोटल फ्लक्स देगा इस सिलेंडर से, जो कि हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ई डी एस। तो ये हमारा टोटल फ्लक्स आ गया इस गॉसियन सरफेस से। अब हम यहाँ पे गॉस थ्योरम यूज़ करते हैं। तो गॉस थ्योरम क्या कहती है, गॉस थ्योरम कहती है कि जो ये टोटल फ्लक्स हमारे पास आया है 2EdS, ये टोटल फ्लक्स किसके इक्वल रहेगा, ये जो गॉसियन सरफेस है वो कितना चार्ज इनक्लोज किए हुए है। अब हमारे पास ये सीट है, नॉन कंडक्टिंग है, तो इसका जो टॉप सरफेस है हमने वो कंसिडर किया था कि उस पर क्यू चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। तो इस सरफेस का हम कितना पार्ट लेके चल रहे हैं, इस सरफेस का हम ये पार्ट लेके चल रहे हैं जिसमें कि चार्ज इनक्लोज है, और ये जो चार्ज इनक्लोज हम लेके चल रहे हैं, ये सरफेस कितना है, सेम डायमेंशन होंगी टॉप बॉटम, एंड यहाँ पर भी आपका ये सरफेस डी एस सरफेस होगा। सो एज पर गॉस थ्योरम आपका जो सरफेस इतना चार्ज इनक्लोज किए हुए है, दैट चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये क्या देगा आपका, ये आपका टोटल फ्लक्स देगा। तो ये आपका 2EdS किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अगर मैं क्यू को सिग्मा की फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो मेरे पास सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज डिवाइड बाय सरफेस, और सरफेस यहाँ पे हम क्या लेके चल रहे हैं, डी एस सरफेस। तो इस पर्टिकुलर सरफेस की अगर हम बात कर रहे हैं, तो सिग्मा हो गया क्यू डॉट क्यू अपॉन डी एस, और यहाँ से मेरे पास क्यू की वैल्यू आ गई सिग्मा डी एस। तो अगर इस चार्ज की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा ये सिग्मा डी एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इन दोनों इक्वेशंस से मैं सोल्व करके देखूं, तो मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, ds से ds कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन रहेगी जो आपका ये सिलेंडर है इसकी लेंथ के अलोंग, कि हम यहाँ पे जो r वेक्टर रेडियल वेक्टर कंसिडर कर रहे हैं, इस रेडियल वेक्टर की डायरेक्शन रहेगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें मिलेगी जब हम फाइनाइट फ्लैट सीट ऑफ चार्ज लेके चलेंगे। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हम देखें, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही, इसमें सिर्फ क्या है हमारे पास सिग्मा, जो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और एप्सिलॉन नॉट हमारा कांस्टेंट है। तो इसका मतलब इस केस में आपका जो आर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका वेरी कर सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अफेक्टेड नहीं होगी। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट बनी रहेगी, ये सिर्फ इस सीट के ऊपर जितनी सरफेस चार्ज डेंसिटी है उस पर डिपेंड करेगी, ठीक है। अब ये केस हमने कंसिडर किया था एक फ्लैट सीट के लिए जो कि नॉन कंडक्टिंग थी। अब अगर मैं कह देती हूँ कि मेरी ये सीट कंडक्टिंग है, सो नाउ फॉर कंडक्टिंग सीट अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूँ, तो क्या होगा कि मेरी अगर सीट कंडक्टिंग है, तो मैंने इतना चार्ज उस सीट को दिया, वो चार्ज मेरा टॉप एंड बॉटम दोनों सरफेसेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ टॉप सरफेस पे बना रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कंडक्टिंग सीट अगर होगी, तो वो दो फ्लैट सरफेसेस की तरह एक्ट करेगी। तो आपकी नॉन कंडक्टिंग सीट एक सिंगल फ्लैट सरफेस की तरह बिहेव कर रही थी, बट जैसे ही हम कंडक्टिंग सीट की बात करेंगे, तो यही चार्ज हमारा टॉप एंड बॉटम दोनों सरफेसेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसका मतलब इस केस में हमारे पास दो सरफेसेस आ गए हैं, और अगर दो सरफेसेस आ गए हैं, तो जो हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या होगी, चार्ज इनक्लोज्ड बाय द टू सरफेसेस, टॉप सरफेस एंड बॉटम सरफेस की जो सीट है उसके दोनों प्लेन अब हम कंसिडर करेंगे। तो टॉप प्लेन डी एस एंड बॉटम प्लेन डी एस, तो इसका मतलब है उस केस में हमारे पास सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q by twice of ds। अब अगर सिग्मा की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है, तो हमारा गॉसियन सरफेस था उसकी हेल्प से हमारे पास इक्वेशन आई थी twice of, ये इक्वेशन हमारी
ट्वाइस ऑफ ई डी एस, ये किसके इक्वल था हमारा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अब जो क्यू की वैल्यू है, इस क्यू की वैल्यू को हम क्या रखेंगे, सिग्मा ट्वाइस ऑफ डी एस। तो यहाँ पे हो गया सिग्मा ट्वाइस ऑफ डी एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से डी एस कैंसिल हो गया, टू से टू कैंसिल हो गया, ई की वैल्यू हमारे पास आ गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये कैसे हुआ, एक बार फिर से इसको देखते हैं कि जैसे ही हमारी नॉन कंडक्टिंग सीट कंडक्टिंग हुई, उस केस में जो चार्ज हमने सीट को दिया वो टॉप एंड बॉटम सरफेसेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब टॉप एंड बॉटम सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज इनक्लोज किया हुआ है, वो अगर यहाँ पर निकालना है तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है दैट इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज डिवाइड बाय टोटल सरफेस एरिया। और जो यहाँ पे जो सरफेस एरिया आएगा वो आपका टॉप पे डी एस सरफेस एंड बॉटम पे डी एस सरफेस, तो मीन्स ट्वाइस ऑफ डी एस सरफेस होगा। तो आपका सिग्मा हो जाएगा क्यू अपॉन टू डी एस, और क्यू यहाँ से आ गया सिग्मा टू डी एस। अब इस चार्ज की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए कंडक्टिंग सीट कितनी आएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी जो थिन सीट थी उसके कंपेरिजन में कितनी हो गई, डबल। तो इसका मतलब अगर हम एक थिन सीट लेके चलते हैं नॉन कंडक्टिंग जो चार्ज सीट है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें जो मिल रही है उसके कंपेरिजन में कंडक्टिंग सीट से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमें डबल मिलेगी। तो ये हमारा आर्टिकल है जिसमें हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए इनफाइनाइट फ्लैट सीट ऑफ चार्ज जो कि नॉन कंडक्टिंग है, और अगर वो कंडक्टिंग सीट होती है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो उसको आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।